क्या हो रहा है इस घर में? कुछ दिन पहले तो मेहर को घर से निकालने की बातें हो रही थी। तुम्हारी शादी के अगले रोज ही एक कप चाय को इश्यू बना दिया था और आज तुम्हारी बहन और तुम्हारी भांजी एक टेबल पे बैठ के उनके साथ खाना खा रहे हैं। मैं क्या करूं रफीक, वो ताहिरा के ना जॉइंट्स में पेन हो रहा है तो वो सीढ़ियां नहीं चढ़ सकती और अनाया उसके साथ ही थी। अनाया तो मुझे समझ में नहीं आई, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? इस वीक कितनी ट्रांजैक्शन की है तुमने? 1,00,000, 2,50,000 करना क्या चाह रहे हो तुम? पापा मैंने तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं की। अच्छा तो ये एटीएम तुम्हारे फरिश्ते इस्तेमाल कर रहे हैं? वो मैंने अनाया को अपना एटीएम कार्ड दिया था। आप ही ने तो मुझे कहा था कि तुम्हारी वाइफ है उसको हर तरह से खुश रखो। खुश रखने को कहा था बेटा, बाप की दौलत लुटाने को नहीं कहा मैंने। क्या कमी थी भाईजान के गेस्ट रूम में, पूरा रूम ही बदल डाला। अनाया की मां को क्या 5-स्टार होटल का कमरा चाहिए था? इस तरह तो कारून के खजाने भी कम पड़ जाए। पापा ये सब आप मुझे क्यों कह रहे हैं? मामा से कहे ना, इन्होंने ही तो मेरी शादी कराई थी अनाया से। बस कर दो तैमूर, तुम्हारी शादी करवाई है और उसके हर वक्त बातें तो तुम मान रहे होते हो। जी हजूरी तो तुम कर रहे होते हो, हर बात पे लबबैक कर रहे होते हो और इल्जाम सारा मुझ पे है। हद होती है, हर कोई मुझसे ही नाराज होता है। मुझे तो लगता है कि गलती हो गई हमसे जो हमने तैमूर की शादी अनाया से करा थी। रफीक छोड़े ना, बस कर दें। कि ताहिरा वैसे ही रो रही है, मैं समझाऊंगी अनाया को। अच्छी है, क्या हो गया? देखें उसके भी तो कुछ अरमान है, शौक है ना। फारिस तुम्हारे जवाबों ने तो मुझे खुश कर दिया। अनाया और उसकी अम्मी को रात भर नींद नहीं आएगी। वैसे वो फाइल किस लिए थी? मैं पहली बार देख रहा हूँ कि तुम्हें कितना मजा आ रहा है दूसरों को तकलीफ में देख के। देखो भाई, ऐसे लोगों के साथ ना यही करना चाहिए, जो दूसरों को खुश नहीं देख सकते उन्हें भी खुश नहीं रहना चाहिए। हंसती रख ली, क्यूट लगती हो। अच्छा कितनी? सच बोलो या झूठ? मोहब्बत के नाम पे तैमूर से अपने बारे में बहुत से झूठ सुने, तुम सच बोलो। छोड़ो, लफ्जों से तुम्हारा एतबार उठ चुका है। मैं जो भी बोलूंगा ना तुम्हें तैमूर ही याद आएगा। एनीवे कल मेरे चैम्बर आ जाना, मैं तुम्हें हैदराबाद लेके जाऊंगा। क्यों? अम्मी का घर देखने? तुम अपने ननियाल से मिलोगी ना तो तुम्हें सुकून आ जाएगा। लेकिन फारिस मैं बाबा को क्या बोलकर जाऊंगी? मैं उन्हें बताना नहीं चाहती कि मैं अपनी शनाख्त तलाश कर रही हूँ। बहुत मुश्किल से उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आई है। डोंट वरी, उन्हें नहीं पता चलेगा। हम यहाँ से 10 बजे निकलेंगे, शाम 5 बजे तक वापस आ जाएंगे। तुम कोई बहाना कर लेना, मैं तुम्हें अपनी गाड़ी में ले जाऊंगा। थैंक यू फारिस। तुम्हें पता तुम्हारा एक छोटा सा भी अमन ना तैमूर के हर जुमले पर भारी है। मुझे समझ नहीं आता कभी कभी कि मैं तुम्हारे ये सारे एहसानात कैसे चुकाऊं। कि मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रहा, अपने लिए कर रहा। अपने लिए? वो कैसे? तुम नहीं समझोगी।